वेलकम बैक टू द चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी तक हम कौटिल्य के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, नाउ वी आर कवरिंग अबाउट द ब्रिटिश रूल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रिटिश रूल का जो इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से फ्रॉम 1600 टू 1947, उसके बारे में देखा था। और आज हम जो जनरल फीचर्स थे, जैसे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, पेपर वन के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल मिल जाएगी, आप वहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। एंड सारे अदर लिंक्स भी प्रोवाइडेड हैं, आप कांटेक्ट करना चाहें तो। फाइन, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, देन कमेंट सेक्शन है। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, देखिए हम क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि जो सिविल सर्विस है शुरुआत की गई थी ब्रिटिश एरा के दौरान, वो किस तरीके से बेसिकली जो ब्रिटिश एम्पायर का पर्पस सर्व करती थी, वो किस तरीके से इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हुई, तो उसका जो इंडियन कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप होता है, वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा। फाइन, सो इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस को हम अलग से कवर नहीं करने वाले हैं, बट अगर आप इसको डेप्थ में कवर करना चाहते हैं तो इग्नू का मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करता है, आप वहां से रीड कर सकते हैं अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो। देन सेकेंड टॉपिक है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो मेनली रिवेन्यू कलेक्शन का काम था उसका, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रिवेन्यू कलेक्शन का, तो जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है क्या थी वो आज हम देखेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, जो ब्रिटिश एरा के दौरान मतलब क्रिएट की गई थी। एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इनमें से आज हम रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखने वाले हैं। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक की कॉम्पोनेंट है। एंड एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो इंस्टीट्यूशंस थे रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, और जो ऑफिसर थे, इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एंड ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उनको रिवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी बहुत सारे काम करने को दिए जाते थे, ठीक है। सो दे वर प्रोवाइडेड विद अदर ड्यूटीज बिसाइड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। और एक चीज आप ध्यान रखिए, जो फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी होती है आपकी इकोनॉमी, आपके फाइनेंसिस तभी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो सकते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, राइट। सो फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी डिपेंडेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एंड जो ब्रिटिश इम्पैक्ट रहा वॉज नॉट लॉस्ट टू द हिस्ट्री एंड स्टिल परसिस्ट। आपको पता होगा कि जो कौटिल्य के टाइम पे था वो आज के दिन हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, लेकिन ब्रिटिश जो इम्पैक्ट रहा वो इतिहास में गुम नहीं हो गया, वो आज के दिन भी वैसा का वैसा आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस मिल जाएंगे जो आज भी हम फॉलो करते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दू तो सीपीसी कोड है, जैसे ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। तो ये जो है 1861 के अंदर बनाया गया था, बट स्टिल हम उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पोस्ट का एग्जाम्पल दिया था आपको, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, तो ये पोस्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स ब्रिटिश इम्पैक्ट वॉज नॉट लॉस्ट टू द हिस्ट्री एंड इट स्टिल परसिस्ट। बेसिकली देख लेते हैं क्या है रिवेन्यू में। आपको पता होगा कि 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है कि जो कंपनी है वो दीवानी राइट को एक्वायर कर लेती है, और उस दीवानी राइट्स में क्या होता है कि जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम था वो एक इंडियन ऑफिसर के अंडर रख दिया गया। कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू वॉज पुट इन चार्ज ऑफ इंडियन ऑफिसर हु एक्टेड एज एजेंट ऑफ इंग्लिश रेजिडेंट। अंग्रेजों के लिए एक एजेंट का काम करता था वो इंडियन ऑफिसर जिसको रिवेन्यू कलेक्शन का काम सौंपा गया था। 1772 के अंदर रिवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटेरिएट क्रिएट किया गया। 1781 के अंदर आपको पता होगा वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान आता है, प्लान ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी लेकर के आते हैं वो। देन 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू जो फंक्शनरी थे उनकी अथॉरिटी के ऊपर लिमिट रखी गई थी थ्रू द कॉर्नवालिस कोड। देन 1815 तक आते आते रिवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज मर्ज विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड 1860 का जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, प्लीज रिमेम्बर कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप जिक्र करोगे ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर, तो 1861 का रेजोल्यूशन हमेशा आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी लाए गए थे, राइट। 1861 रेजोल्यूशन पास किया गया था, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो सेंट्रल रिवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया इन कैलकटा,
ताकि जितनी भी रिवेन्यू अथॉरिटीज का जो काम है वो सारा का सारा एक जगह कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सके। फाइन, सो थ्रू द 1860 रेजोल्यूशन सेंट्रल रिवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड इन कैलकटा टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल रिवेन्यू अथॉरिटी। 1919 में जो ये मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म आते हैं, डायर की इंट्रोड्यूस की जाती है इन द प्रोविंसेस, और उसमें आपको पता होगा कि कुछ लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब प्रोविंशियल लिस्ट, और ठीक है प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर भी दो होते हैं, ट्रांसफर्ड होता है, तो ट्रांसफर्ड, और बेसिकली जो लैंड रिवेन्यू का जो सब्जेक्ट था वो जो है प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर रखा गया था, राइट। तो ये एक तरीके से किस इवोल्यूशन होता है फ्रॉम द 1765 टू 1919। बात अगर हम करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, जिक्र आता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को 1786 के अंदर 1786 के अंदर क्रिएट किया गया था, और इसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो एक सेक्रेटरी होता था, कुछ असिस्टेंट सेक्रेटरी और सब सेक्रेटरीज होते थे, राइट। और ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो पूरा का जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड था, राइट, फाइल्ड नहीं ये फील्ड आएगा, FIELD, टू होल फील्ड ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, 1780 के अंदर आप ध्यान रखिए कि जो रिवेन्यू बोर्ड क्रिएट किया गया था एज एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर सजेस्टिंग स्कीम फॉर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। आपको पता होगा कि 1780 के बाद में काफी सारे, जैसे जमींदारी सिस्टम था या परमानेंट सेटलमेंट है, तो काफी लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट में काफी एक्सपेरिमेंट हुए अलग अलग एरिया में। इसमें ये लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट करने के अंदर रिवेन्यू बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और यही वो टाइम था जब आप कंपनी का जो मेन फोकस है वो कमर्शियल एक्टिविटीज से हट करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे आ गया था। फाइन, सो दिस इज वेयर वी सी द शिफ्ट ऑफ द कंपनी मेजरली फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन इंडिया, राइट। देन बात करते हैं हम डिविजनल कमिश्नर की। वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, बट हम इसको रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि दिस पोस्ट इज ऑल्सो लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। इट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ विलियम बटरवर्थ बेले। क्यों क्रिएट किया गया था ये पोस्ट? एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि डिवीजन के अंदर 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राइट, आज भी आपको मिल जाएगी ये पोस्ट। तो क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू था वो प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर था, यानी कि कैलकटा के अंदर बैठते थे वो, और कलेक्टर जो वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता था, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी, तो रेड टेपिज्म करप्शन बढ़ता जा रहा था लोअर लेवल के ऊपर, इसीलिए ये पोस्ट क्रिएट की गई, इंटरमीडिएटरी पोस्ट थी बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड प्रेसिडेंसी टाउन, राइट। डिवीजन के अंदर जैसे हमने बताया कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट होती है, एंड डिविजनल कमिश्नर को फिफ्थ व्हील इन द कोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी माना गया था, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी है उसके अंदर ये पांचवा पहिया है डिविजनल कमिश्नर, राइट। देन बात करें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि हमने रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। पहले जो है वो अकाउंटेंट जनरल होते थे फोर्ट विलियम के बंगाल में, जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो कंपनी के फाइनेंसिस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस थे, उनको कंट्रोल करते थे। कंपनी के रूल जब तक था तो रिवेन्यू कलेक्शन के दो सोर्स होते थे, वन इज लैंड रिवेन्यू और दूसरा जो टैक्स होता था ट्रेड या पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर। एक्सपेंडिचर भी दो चीजों पे किया जाता था, वन इज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा या बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस पे, और दूसरा सोशल या डेवलपमेंट गोल्स पे स्पेंड कर दिया जाता था। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था 1860 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दो रीजन है। पहले तो बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आज के दिन हम नोट यूज करते हैं वो उसी की देन है, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी एज वेल एज इंट्रोडक्शन ऑफ बजट सिस्टम, उसके बाद में ही बजट पे डिस्कशन शुरू होगा, बजट बनेंगे, आप सवाल पूछ सकते हो। फिर 1891 के अंदर आप देखना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1891 के अंदर जो एक्ट पास किया गया था उसके मेन फीचर्स क्या थे, राइट। आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई थी, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिटिशर्स, बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, राइट। देन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, अभी तक रिवेन्यू एंड फाइनेंशियल तो हो गया, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। जो लेजिस्लेशन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता था वो था इंडियन पुलिस एक्ट 1861, 1861 का जो इंडियन पुलिस एक्ट था वो। स्टेट लेवल पे जो डिग्नेटरी होते थे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, उनको बोला जाता था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP, ठीक है, अभी भी है ये IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे,
राइट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे सबॉर्डिनेट पुलिस फोर्स होती थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और काफी अदर पोस्ट, हवलदार वगैरह काफी पोस्ट आती थी। और आपको ध्यान होगा कि मुगल्स के टाइम पे दारोगा होता था, राइट, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे दारोगा को सब इंस्पेक्टर बना दिया, ठीक है, दारोगा साहब के प्रमोशन हो गए और उनको सब इंस्पेक्टर बना दिया, मतलब नाम चेंज हो गया उनका। और 1861 से पहले मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड होता था, बट 1861 के बाद उनके रोल में काफी चेंज आए हैं, राइट, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वजह से भी। तो 1861 का जो एरा है वो एक तरीके से वाटरशेड रहा, कि काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं 1860 के बाद में, राइट। उसके बाद हम बात करें पुलिस कमीशन की, 1902-1903 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था, मतलब इसको एस्टैब्लिश किया गया था पुलिस कमीशन को, और बेसिकली इसने रिकमेंड किया था फॉर द इम्प्रूवमेंट इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिन्यूमरेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ वेरियस क्लासेस, ताकि और भी बेहतर तरीके से काम हो सके। 1905 तक आते आते एक नई क्लास, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, दैट इज इंडियन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पोस्ट क्रिएट की गई थी 1905 के अंदर। अब बात करते हैं जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कुछ ऐसे लेजिस्लेशन है दैट बेसिकली इंश्योर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द लोकल ट्रेडिशन। आपको पता होगा कि जब IPC और CRPC को क्रिएट किया गया, जब बनाया गया उनको, तो लोकल ट्रेडिशन को ध्यान में रखा गया था, राइट, कि हम किस तरीके से हिंदू धर्म या जो मुस्लिम है रिलीजन है या अदर जो रिलीजन है वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्हीं के बेसिस पे ये क्रिएट किया गया था। वन इज द इंडियन पीनल कोड, जिसको आप IPC बोलते हो, 1860 के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 के अंदर, एंड अदर सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन, एंड वन नोटेबल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है, वैसे पूछा नहीं गया, बट इट मे बी पॉसिबल पूछा जाए कि जो 1860 का एरा रहा, आपको पता होगा कि 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद में 1860 का जो एरा था वो वाटरशेड बोला जाता है, तो आप ये भी इंट्रोड्यूस, ये चीजें मेंशन कर सकते हो क्यों बोला जाता है। काफी ये जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर IPC CRPC बनाए गए थे, उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली देखा रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे, राइट, तो ये सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो, फाइन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में होना जरूर चाहिए। देन बात अगर हम करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो वैसे तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, और अब आपको बता रहे हैं कि आपको खुद रीड करना है ये बुक से जा करके कि क्यों बोला जाता है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसा किया क्या था उन्होंने जिसकी वजह से उनको फादर बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, राइट। तो जब वॉरेन हेस्टिंग थे, जब वो गवर्नर जनरल बने हुए थे वॉरेन हेस्टिंग, तब उन्होंने कैलकटा टाउन को बहुत सारे वार्ड के अंदर डिवाइड किया गया था, ईच अंडर कोतवाल, राइट, ही डिवाइडेड द टाउन ऑफ कैलकटा इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स ईच अंडर है कोतवाल। और बहुत पहले एक कॉरपोरेशन भी एस्टैब्लिश की गई थी मद्रास के अंदर, तो मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो काफी पहले एस्टैब्लिश, या उसकी तरफ एफर्ट लगाए गए थे। सेवरल एक्ट्स वर पास्ड विद रिगार्ड टू द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेसिडेंसी टाउन, एंड पंचायत जो थी बेसिकली वही फॉलो की गई, पंचायत मेंटेन्ड द लोकल सोशल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सोशल पॉलिटिकल नॉर्म्स प्रिवेलिंग। आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिशर्स ज्यादातर हमारे जो ट्रेडिशंस होते थे उनके अंदर इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, या जो सोशल इश्यूज होते थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत के साथ भी उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, जो पंचायत की जो स्ट्रक्चर थी वही चलती रही है। उन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज पे काम किया जहां से उनके एम्पायर को फायदा हो सकता था रिवेन्यू के मामले में, राइट, या फिर उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो सकता था, तो पंचायत की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी उनके साथ उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। वाई एंड वन थिंग इज मोर कि लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, यू हैव टू मेंशन दैट कमेंट सेक्शन में, आपको बताना ही पड़ेगा। 1919 का एक्ट आता है एंड इट मेड द लोकल गवर्नमेंट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आ गया ये, ताकि और भी बेहतर तरीके से पंचायत को मजबूत किया जा सके। बट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टिल हैव कंट्रोल एंड रेड टेपिज्म एंड करप्शन प्लेग्ड इट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अभी भी रोल था। फिर आपको पता है कि फिर रेड टेपिज्म होगा, रेड टेपिज्म होता क्या है, लाल फीताशाही जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना फॉलो करते हो कि जो बेसिक मोटिव था रूल्स एंड रेगुलेशन का वो मोटिव ही खत्म हो जाता है, रेड टेपिज्म एंड करप्शन।
सो लोकल गवर्नमेंट होती है आज के दिन भी और उस टाइम पे भी फंड को मतलब फंड का जो क्रंच है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सर्वाइव कर सके अकेले, तो उनको हमेशा अपनी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो फंड को क्रिएट कर सके, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू टू डोमिनेट द लोकल बॉडीज, क्योंकि फंड को रिलीज करना तो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में है, सो ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज कंटिन्यू टू डोमिनेट द लोकल बॉडीज। देन 1990 का जो एरा रहा, उसके बाद में म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं। आपको पता होगा कि 1919 के बाद इम्पोर्टेंट कौन सा आता है, 1935 का। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने पूछा था कि क्यों 1935 का एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। सो पोस्ट 1919 में काफी ज्यादा सफर करना पड़ा म्युनिसिपल लेजिस्लेशन को फ्रॉम अ लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। फिर तो फिर 1947 के बाद ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे या एफर्ट्स लगाए गवर्नमेंट ने। ओके, बात अगर हम करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, वैसे तो एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, राइट। और इसकी जैसी यूनिट जो है वो डिपार्टमेंट या फिर प्रीफेक्चर होता है फ्रांस के अंदर या अदर कंट्रीज जो यूरोप की कंट्री हैं उनके अंदर आपको प्रीफेक्चर देखने को मिलेगा। ब्रिटिश इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट एक बेसिक यूनिट होती थी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की। डिस्ट्रिक्ट को फिर सब डिवीजन, तहसील और देन विलेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता था। और जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1772। कलेक्टर जो होता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज बेसिकली हेडेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा अदर डिग्निटरीज होते थे, अदर फंक्शनरी होते थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे सिविल एंड सेशन जज, कोऑर्डिनेटेड सिविलियन जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी होते थे। एंड कलेक्टर का मेन काम क्या था, लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना। बट धीरे धीरे उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर भी आती चली गई। सो कलेक्टर हैड द फंक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, ग्रेजुअली लॉ एंड ऑर्डर केम टू बी एडेड टू हिज लिस्ट ऑफ पावर। और कलेक्टर के साथ असिस्ट करने के लिए उसको एसपी होता था, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ कॉम्प्लेक्स अपैरेटस कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्टर, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिविल सर्जन, सुपरिनटेंडेंट ऑफ जेल, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। तो काफी सारे डिग्निटरीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कम्प्लीट अपैरेटस को कॉम्प्लेक्स बनाते थे या एक कॉम्प्लेक्स अपैरेटस का हिस्सा थे, राइट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आज के दिन भी वैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी जो पहले होती थी। जैसे ऊपर है स्टेट, राइट, स्टेट प्रेसिडेंसी टाउन बोल दो या स्टेट बोल दो। उसके बाद में फिर है डिविजनल कमिश्नर, चार या पांच डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के डिवीजन बनता है और उनका जो कमिश्नर होता है दैट इज कॉल्ड डिविजनल कमिश्नर। उसके बाद कलेक्टर, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट को फिर बाद में कुछ डिविजन में डिवाइड किया जाता है एरिया वाइज, ठीक है। तो उसका जो ऑफिसर होता है डिविजन का उसको सब डिविजनल ऑफिसर बोला जाता है, सब डिविजन का जो ऑफिसर होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। उसके बाद में तहसील होती है, हर तहसील का जो ऑफिशियल होता है उसको तहसीलदार बोलते हैं। तहसीलदार के बाद फिर कानून गो आता है, कानून गो के बाद पटवारी आता है, राइट। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी स्टडी कर सकते हो, इसको आप रिवेन्यू कलेक्शन, जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा उसके अंदर भी आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। डिविजनल कमिश्नर, देन कलेक्टर, देन सब डिविजनल ऑफिसर, देन तहसीलदार, फिर कानून गो एंड फिर पटवारी। पटवारी गाँव का होता है, राइट। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो ब्रिटिशर ब्रिटिश रूल की जो लेगेसी रही उसके ऊपर पूछे गए थे। जैसे फर्स्ट है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन करना है आपने, ये 2013 के अंदर पूछा गया था। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल जनरेटेड मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल वैल्यू ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट बाय इनिशिएशन बट थ्रू इंटरेक्शन, ये आपने कमेंट करना है। ये भी अराउंड 2000 के अराउंड पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर